बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोलर ट्यूबवेल के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो किसान भाइयों के नाम होने वाली है, ज़मींदार भाइयों के नाम होने वाली है। बेसिकली मैं भी एक ज़मींदार फैमिली से तलक रखता हूं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज़ वाजिया बताऊँ। आपको इस वीडियो में बताऊँगा कौन सी कंपनी के सोलर पैनल लगे हैं और कितने वाट के, कौन सी कंपनी की मोटर लगी हुई है और कितने एच पी की है, सोलर इन्वर्टर बी एफ डी कितने एच पी का लगा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा और पानी का यहाँ पर क्या लेवल है, कितने पैसे आपके पास हों तो आप सोलर ट्यूबवेल लगवा सकते हैं और डेली आप कितने एकड़ ज़मीन अपनी सहराब कर सकते हैं सोलर ट्यूबवेल से। आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मालूमात मिलेगी। आप इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर आपको समझ आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आप देख रहे हैं, हमने सोलर पैनल लगाए हुए हैं 12 अदर सोलर पैनल ज्यून कंपनी के 640 वाट के। अरे दोस्तों, ये ए क्लास पैनल है। आपने जब भी सोलर ट्यूबल लगाना है ए क्लास पैनल लगाने हैं, किसी भी कंपनी के आप लगा सकते हैं, जैसे कि लॉन्जी, ज्यून, कैनेडियन सोलर, जे ए सोलर, इनवरेक्स, ये सब ए क्लास है। अगर आप ए क्लास के पैनल लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ए क्लास पैनल लगाने का आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो उसकी वारंटी तकरीबन 10 से 12 साल होती है और उसकी लाइफ 25 से 30 साल होती है। अरे दोस्तों, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें प्यारे दोस्तों, हमने अप डाउन वाला सोलर स्टैंड बनाया है। इसे आप सूरज के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसे एक बंदा इजीली ऊपर नीचे कर सकता है सूरज के हिसाब से। ये देखें ऊपर नीचे कर रहा है भाई, और इसके ऊपर 12 सोलर पैनल लगे हैं, 4 पहली लाइन पर, दरमियान में फिर 4 और आखिर में फिर 4। ठीक है, एक बंदा प्यारे दोस्तों इसे इजीली अप डाउन कर सकता है। आप इसकी जगह मूवेबल स्टैंड भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। मूवेबल स्टैंड थोड़ा सा महंगा है और ये स्टैंड थोड़ा सा सस्ता है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, सूरज की तरफ नीचे कर दिए हैं, यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं कितना गट्टा वगैरह पड़ा हुआ है। 8 दिन पहले हमने ये सोलर सिस्टम लगाया था और आज वीडियो बनाने आए हैं। ये देखिए प्यारे दोस्तों, मैं एक कमरे में आ चुका हूँ, एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है मोटर और सोलर इन्वर्टर के लिए, ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर ना आए। प्यारे दोस्तों, हमने 10 HP की मोटर लगाई हुई है और 5-6 का पंखा लगाया हुआ है। 5 इंच डिलीवरी के साथ ये हमारा ट्यूबवेल पानी निकालेगा और यहाँ पर जो बोर होता है 100 फुट, 110 या 120 फुट यहाँ पर बोर होता है, ये हमारा सोलर ट्यूबवेल चल रहा है। हम आपको बाहर जाके इसका प्रेशर चेक कराते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हमारा जो सोलर इन्वर्टर है ये 7 से 11 HP का, हमारी 10 HP की मोटर को रन करने के लिए 7 से 11 HP का हमने ये सोलर इन्वर्टर लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं बाहर जाके आपको प्रेशर चेक करवाता हूँ। ये देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, प्रेशर पानी का थोड़ा सा कम है, एक तो हमारा बोर पुराना है, ठीक है, और एक दो सोलर पैनल कम है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर कम है। ठीक है, वैसे प्यारे दोस्तों ये देखिए हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, सोलर पे 12 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 12 सोलर पैनल से हमारा ये ट्यूबवेल चल रहा है। तो अंदर जाके दोबारा चेक करवाता हूँ ऑन कहाँ से होगा और ऑफ कहाँ से होगा। प्यारे दोस्तों, ये देखिए हमारी मोटर चल रही है, ठीक है, ये हरे बटन से ऑन होगा और लाल बटन से ऑफ होगा, हरे बटन से ऑन होगा और लाल बटन से ऑफ होगा। और ये हमने DC ब्रेकर लगाया हुआ है सोलर का करंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये सोलर का करंट कंट्रोल करेगा DC ब्रेकर, ठीक है। कह रहे दोस्तों, हमारी मोटर चल रही है, अब मैं बाहर आ चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं हमारा ये ट्यूबवेल चल रहा है। महंगे डीजल से जान छिड़ाएँ और महंगी बिजली से जान छिड़ाएँ और सोलर ट्यूबवेल लगाएँ। प्यारे दोस्तों, ये जो हमने सोलर ट्यूबवेल लगाया है, यहाँ पे बोर 100 से लेके 120 फुट तक बोर होता है और यहाँ पे मोटर और पंखा ऊपर पड़ा हुआ ज़मीन पे। जैसे जैसे आपका पानी नीचे चला जाएगा या आपको कुआं खोदना पड़ेगा, आपको सोलर पैनल भी बढ़ाने पड़ेंगे और आपको मोटर भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। जितना आपका पानी नीचे जाता जाएगा उतने आपको सोलर पैनल बढ़ाना पड़ेंगे और वैसे वैसे आपको मोटर भी बढ़ाना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों वाटर लेवल ऊपर है, इसीलिए 12 पैनल से काम चल चुका है और 10 HP की मोटर और 7 से 11 HP का सोलर इन्वर्टर चल चुका है और बोर ये हमारा पहले वाला पुराना बोर ही चल रहा है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंपनी का हमने सामान लगाया और इसका कितना रेट है एक एक का, और बाद में मैं आपको टोटल रेट बताता हूँ, टोटल खर्चा बताता हूँ, कितने पैसे आपके पास हों तो आप सोलर ट्यूबवेल लगवा सकते हैं, ठीक है।
प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने ज़ियोनोन कंपनी की 640 वाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं। एक रेड टीयर वन के सोलर पैनल हैं। एक सोलर पैनल की कीमत 60,800 रुपये है। हमने 12 सोलर पैनल लगाए हैं। 7,29,600 रुपये के 12 सोलर पैनल होंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये जो स्टैंड है ये अप डाउन वाला स्टैंड है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तकरीबन 1,70,000 रुपये का बना है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल बनाएंगे आपके पैसे कम हो जाएंगे, अगर आप इससे भी हैवी बनाएंगे आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर तो प्यारे दोस्तों आप मूवेबल स्टैंड बनाते हैं उसका खर्चा तकरीबन इससे डबल होगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों सोलर इन्वर्टर VFD और तार ब्रेकर वगैरह का खर्चा ये तकरीबन 80,000 रुपये का ये खर्चा है। और 10 HP की मोटर पंखा 1,25,000 रुपये का ये खर्चा है। ये प्यारे दोस्तों क्वालिटी के हिसाब से 5-10,000 रुपये कम भी मिल जाता है और 5-10,000 रुपये ज़्यादा भी मिल जाता है। ज़्यादा शहजाद कंपनी का ये ज़्यादा अच्छा चलता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों अगर तो आप अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवाते हैं पाइपिंग वगैरह लगा के, फिर आपसे 15-18,000 रुपये मज़दूरी लेंगे। अगर आप थोड़े से नॉर्मल लगवाते हैं ओपन तार वगैरह, फिर आपकी मज़दूरी कम हो जाएगी। ये प्यारे दोस्तों टोटल आपका खर्चा आएगा 11,20,000 रुपये। अगर आपका वाटर लेवल कम है यानी कि आपका 100 से 120 फुट तक बोर होता है, फिर आपका इतना खर्चा आने वाला है। इसमें अभी हमने बोर का खर्चा नहीं डाला, बोर ये पहले वाला पुराना बोर ही चल रहा है। और प्यारे दोस्तों थोड़ा सा पानी भी कम निकाला है ट्यूबवेल ने। एक तो दो सोलर पैनल कम है और बोर हमारा पुराना चल रहा है। 10 HP की मोटर को चलाने के लिए तकरीबन 9,000 वाट या 10,000 वाट के सोलर पैनल लगाना पड़ते हैं, फिर ये फुल प्रेशर के साथ चलता है। ये तकरीबन प्यारे दोस्तों 11,20,000 रुपये टोटल खर्चा आएगा। अगर आपके पास 11,20,000 रुपये हैं तो आप सोलर ट्यूबवेल लगा सकते हैं। डेली आप इसे 4-5 एकड़ ज़मीन को सहराब करा सकते हैं। अगर आप सोलर ट्यूबवेल लगवा लेते हैं तो फिर आप सारा दिन सोलर से फ्री अपनी फसलों को सहराब कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बिजली या डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, आप सोलर पे ट्यूबवेल चलाएंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब भी आपने सोलर ट्यूबवेल लगाना है एक रेट टीयर वन के सोलर पैनल लगवाने हैं। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, ताकि जो भी हम इलेक्ट्रिक के या सोलर के मतलब वीडियो बनाएँ तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।